बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये 4 अगस्त के हवाले से, 4 अगस्त को हमारा योम शहदा मनाया जाता है पूरे सूबे में। उससे पहले ये CTGF के ये जो प्रेसिडेंट है अजमत और यहाँ के प्रेस क्लब के जो मेंबर हैं, इनकी वसासत से उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि हम पूरे सूबे में जाके तमाम शहदा के फैमिलीज़ के साथ मिल के उनके साथ इजहार यकजहती करना चाहते हैं। तो इस हवाले से ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मैं इस पर CTGF को, तमाम मीडिया के दोस्तों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि हमारे शहदा के लिए उन्होंने ये टाइम निकाला, उनके साथ यहाँ पे आके मिल बैठ के उनके साथ गुफ्तगू की, उनके साथ इजहार यकजहती की। हमारे 88 के करीब यहाँ पे शहदा है और इतने ही हमारे इंजर्ड लोग हैं। तो इन तमाम फैमिलीज़ को बार बार ये याद दिलाना कि हम आपके साथ हैं, अब हमारे फैमिली के मेंबर हैं। इस पे मैं तमाम मीडिया के मेंबरान का, CTGF का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल की अता गहराइयों से उनका मशहूर हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम उन्होंने मना किया। पुलिस चूँकि फ्रंट लाइन एक फोर्स है, जहाँ पे कोई वारदात होती है, कोई दहशतगर्दी होती है, कोई धमाका होता है, तो सबसे पहले पुलिस होती है और साथ ही उनके मीडिया होते हैं जिनमें रिस्पॉन्ड करना होता है। तो पुलिस का किरदार सबसे पहले है। और अगर आप देखें तो अभी तक जितने भी यहाँ पे धमाके हुए, जितनी भी दहशतगर्दी हुई है, उन तमाम में हमारे शहदा का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हमारे बंदे हर जगह पर शहीद होते हैं और यही वजह है कि जहाँ पर भी पुलिस जाती है, पुलिस ने ये काम करना होता है कि दहशतगर्दी पर काबू पाने, दहशतगर्दी के अलावा बाकी क्राइम पर भी उनका पाने, इसलिए ये इदारा है और इसीलिए हमारी शहादत। मसाइल के हवाले से ये देखेंगे कि पहले अगर आप देखें 2010 से पहले की अगर आप बात कर लें तो 35,000 पूरे सूबे की पुलिस थी, अब ये 72,000 पे पहुंच गई है। तो वसाइल वक्त के साथ साथ बढ़ रहे हैं, जितना यहाँ पर सर्विसज़ में बेहतरी आ रही है, इस तरह हमारे रिसोर्स में बेहतरी आती है। गरीब मुल्क है, रिसोर्स बहुत कम है, लेकिन जितना हुकूमत से पॉसिबल होते हैं, हमारे आई सब से पॉसिबल होते हैं, वो महदूद वसाइल में हमारे वसाइल का ख्याल रखते हैं और वसाइल पूरे खर्च होते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं पहली दफ़ा ये हुआ है आने के, मैंने IG साहब के साथ इस हवाले से मीटिंग किया था और हम ये करना चाहते हैं ताकि तमाम शहदा को और पुलिस को ये पता लग जाए कि मीडिया और पुलिस एक हैं, एक रहेंगे। और इंशाल्लाह दहशतगर्दी में जो पुलिस ने जो शहादत दी है, इसमें मीडिया ने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, जबकि मीडिया के नुमाइंदों ने भी इसमें शहादत की है। तो ये हम इनको बार बार करना चाहते हैं कि हम एक हैं और आपके साथ बिल्कुल। ये तो हमने प्रेस क्लब के सदर और यूनियन का जो सदर होते हैं, उनके साथ ये बाकायदा तौर पर हमारी मीटिंग हुई है और इस हवाले से हमारे जितने भी शहदा हैं, तो आइंदा साल हम कोशिश करेंगे कि उसको भी इस शहदा में शामिल करेंगे और उसको भी करंट तकसीम पेश करेंगे। जिस तरह इनके लिए पैकेज है, तो कोशिश करेंगे कि हम साथियों के लिए भी ये पैकेज का बंदोबस्त कर सकें। अगर ही शहीद का बेटा हूँ, हमें जो भी कुछ भी मसाइल नहीं है, DPO की जानिब का बहुत, DPO साहब का बहुत मशहूर हूँ, जो हमें कल करता है। हमारा कोई मसाइल हो तो वो उसके हल के लिए कोशिश करता है और हर जुमरात म्यूनसिपलिटी साहब शहदा का जो इंचार्ज है, वो हमें कल करते हैं। अगर आपका कोई मसाइल हो तो हमको बताए ताकि हम इसका हल निकालें या हल करें। और इसका हम बहुत मशहूर है कि इस किस्म के प्रोग्राम हमारे लिए अरेंज करते हैं। इस किस्म के प्रोग्राम से हमारे हौसले बुलंद होते हैं। इंशाल्लाह हम इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लिए किसी भी सीम कुर्बानी से देने के और हमारे खानदानों के और भी इसी तरह मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी।